तो जय श्री राम भाई, आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। होप करता हूँ आपका दिन अच्छा जा रहा हो, नहीं जा रहा तो इस ड्रैग रेस के बाद डेफिनेटली अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो आज भाई साहब दो दमदार गाड़ियों की ड्रैग रेस करने वाले हैं, एक है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, दूसरी है भाई ह्युंडई की क्रेटा। दोनों ही गाड़ियों जो है भाई टॉप मॉडल है, SX ये है, Z8 ये है, दोनों ही गाड़ियों जो अपनी है पेट्रोल रहने वाली है। पहले मैं स्पेक्स की बात करूँ तो जो अपनी क्रेटा है वो आती है भाई 1500 cc के इंजन के साथ, मैनुअली ये गाड़ी है, 115 bhp प्रोड्यूस करती है और 145 nm के आसपास जो है अपना गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं पे मैं बताऊँ स्कॉर्पियो एन की तो भाई मैसिव 200 bhp ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। 200 bhp एक SUV के लिए बहुत अच्छी पावर होती है, साथ ही में भाई 370 से 390 अराउंड nm का जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 2100 cc का इसका इंजन है, दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल है और दोनों ही गाड़ियाँ मैनुअल है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस, इतने आप बताओ भाई कौन सी गाड़ी जीतेगी, और वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। पहले राउंड में देख लो भाई दोनों गाड़ियों का AC ऑन है, बोल दे 3 ऑन, 3 ऑन हम कर रहे हैं भाई। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला राउंड, एन उठी यार, रेस कैसे छोड़ दी गाड़ी ने, दोबारा करियो नहीं ना, तो पहला राउंड हारे छोड़ी थी, सर्विस हो रखी इसकी अभी तो पहले राउंड भाई बता रहा है दिक्कत होगी, पर क्लियर विनर जब भी एन थी निकल गई थी। तो भाई पहला राउंड अपना क्लियरली जो है एन जीत गई, सर्विस अभी कराई थी, पर ये इसमें ये दिखाती है सर्विस -510 किलोमीटर, मतलब इसमें होता है ना गाड़ी में जब सर्विस होने का टाइम आता है तो वो आ जाता है कि कब होगी, तो अब इसमें 510 ये कह रहा है कि 510 पहले सर्विस करानी थी मुझे, पर मैं उससे पहले ही करा चुका था, मैंने वहां कंपनी में बात करी तो उन्होंने कहा आपका अपडेट नहीं कराया है इसमें, कर देंगे कर देंगे। चलो तो वही है भाई अपना पहला राउंड सीधा सीधा जो है टाई हो गया, मानते नहीं है अभी हम किसी को। पर भाई बोल रहा लॉन्च नहीं हुआ था भाई, टक्कर का था मुकाबला, ऐसा नहीं था टक्कर टुक्कर मत कर भाई, तू हार रहा सीधा सीधा और फिर भी तू वीडियो के चक्कर में नहीं, कुछ भी हो भाई श्याम भाई तेरी थी भाई, इसमें बैठ जा मैं तो वहां बैठ जाऊंगा, चल आ जा, तो ले आ जा, आ जा भाई दूसरे राउंड में, मैं स्कॉर्पियो में जा रहा हूं। पहला राउंड स्कॉर्पियो जीत गई थी, ज्यादा मार्जिन नहीं था, पर अब बंदे चेंज है, अब देखते हैं। अच्छा जी आ जाओ तो देखे भाई, चलो दूसरा राउंड कर भाई, सुन AC ऑफ, सेकंड राउंड में AC ऑफ है भाई, AC ऑफ कर दो, AC ऑफ है शिवा, 3 ऑन कर दे, थोड़ा सा लेट पिकअप लिया है हमने, इसे गियर टकते हैं ना भाई, तीसरे में तो खींचगी अब तो खींचगी भाई, बहुत खींचगी बहुत ज्यादा भाई जब भी नहीं आराम से जीत रही है, और भाई एक बात हूँ उसी क्रेटा भाग रही है क्योंकि इसका वेट भी है, पर यार 85 bhp का फर्क है दोनों गाड़ियों में, वो भी तो पुरानी गई। हाँ और दूसरा भागी भी ना है, नहीं पर भाई NMNM मतलब टॉर्क का भी फर्क है, नहीं भाई पर वो हमने खींच दी, हाँ वेट भी तो ज्यादा है, मेरे ख्याल में 2 टन के आसपास ही गाड़ी है, 1700-1800 टन है शायद, 2200 अभी जो अपना क्लियर है स्कॉर्पियो एन निकाल रही है। हाँ जी भाई जी भाई दूसरे गियर तक हराया ना सुन भाई थर्ड राउंड कर रहे हैं यहीं से रोलिंग करते हैं, बोर्ड तक 20 की स्पीड, बोर्ड से आ गई एकदम खींचना है पहले गियर में, ठीक है ना श्याम भाई, थर्ड राउंड कर रहे हैं रोलिंग है, बोर्ड तक 20 की स्पीड पहला गियर, उसके बाद खींच लेंगे गाड़ी को, सात रख बोर्ड तक, 7 रखनी है, रोलिंग रेस है, थर्ड राउंड है, हाँ पहले पे दूसरे में कर लो, 20 की स्पीड पर रखनी है मतलब गाड़ी, और ये रोलिंग स्टार्ट, शिवा ने खींची पर भाई अब नहीं निकल लेते स्कॉर्पियो आगे, गाड़ी भाई 120 तक चढ़ जाती है, रोलिंग भी अपनी सीधी सीधी जो है एन निकाल रही है। तो भाई ये वीडियो
इसलिए भी थी क्योंकि है ना पहले रेस करी थी तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्क्रेटा कैसे जीत रही है। भाई हाँ पहली वीडियो में भाई साहब बहुत कमेंट आए कैसे जीत रही है क्रेटा। मगर भाई जीत रही है टक्कर दे रही थी। उसे भाई की गाड़ी भी नहीं थी और उसे चलानी नहीं आती, उसे ड्रैग रेस नहीं करनी आती थी। वह भाई है वो तो उन्हें ड्रैग रेस सही से नहीं मतलब आती थी। भाई नहीं का फर्क हम भी आराम से चला रहे हैं। कितनी कितनी लेट खींच रहे हैं यार। तो भाई जो मेन रीजन है ना स्कॉर्पियो के जीतने के वो यही है भाई, 185 अराउंड बीएचपी का फर्क। दूसरा भाई टॉर्क का फर्क ये 370 है, ये भाई अपनी 145 है, तो मतलब मोटा मोटा 200 प्लस टॉर्क का फर्क है। जो ये गाड़ी सेकंड गियर तक इसे निकाल रही है वो इसलिए क्योंकि भाई गाड़ी ना वेट में बहुत हैवी है, देश का लोहा है, हैवी रहेगा। तो यही था इस वीडियो में, बाकी आप बताओ कैसी लगी वीडियो। और भाई अच्छी लगी है अभी तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। अगर भाई आप पैसे भी किसी को ड्रैग रेस करानी है या फिर गाड़ी का रिव्यू कराना है डिस्क्रिप्शन में भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। बाकी भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।